हेलो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए एक नए एचएफ के बारे में। तो इस एचएफ को आप लोग देखकर बहुत हैरान रह चुके हैं, क्योंकि ये 300 वाट के एचएफ है, जो कि आप लोग शायद नए जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो ठीक है, अगर नए जानते होंगे तो इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल बताऊंगा। जो कि पिछले वीडियो में बताया था कि न्यू डैम का स्पीकर और न्यू डैम का ड्राइवर यूनिट भी आ चुका है, जो कि आपको वीडियो में बना के दे चुका हूँ। आपको वीडियो को देख लीजिए, अगर नहीं देखा हो तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आज का वीडियो इसी के बारे में बात करेंगे, जो कि न्यू डैम का एचएफ ही दिख रहा है, लेकिन ये मैनुअल में दिया नहीं है कि न्यू डैम का है। तो आज इसके बारे में पूरा फुल डिटेल बताऊँगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एचएफ का मतलब मॉडल नंबर क्या है। तो ये एचएफ का मॉडल नंबर है बैस रोकर BRHD1। तो ये मॉडल नंबर है इसका, फुल मतलब स्क्रू ऑन है। तो आप लोग इस ड्राइवर को देख सकते हैं, बड़ी अच्छा लुक दिख रहा है, जो कि बहुत शाइन भी दिख रहा है, बड़े मस्त दिख रहा है, वो नया डिज़ाइन भी लग रहा है। तो आपको इतना बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग तो देख ही सकते हैं। तो चलिए इसका और फिक्सन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए इसका पूरा मॉडल आपको बता देता है। तो ये थर्नर डायनामीटर आपका 25 मिलियन का मिल जाता है एमएम का, और ये हॉर्न का कनेक्शन आपको टाइप स्क्रू ऑन मिलेगा, मतलब कनेक्शन आपको की करना होगा, स्क्रू ऑन मिलेगा आपको। स्क्रू से आपको ये दोनों टर्मिनल दिख रहा है, स्क्रू से आपको मतलब कसना पड़ेगा। चलिए इसका बात कर लेते हैं, जो कि आपको थंबनेल में दिखाया गया 300 वाट का है या कुछ और है, आपको बता देता है। तो चलिए इसका पीक पावर है 300 वाट, ये 300 वाट के स्पीड मतलब एचएफ नहीं है। इसका आरएमएस आपको 150 वाट का मिल जाता है, जी इसका आरएमएस आपको 150 वाट मिल जाता है, इसका पीक पावर 300 वाट मिलता है, ये आपको ध्यान से सुन लीजिए। और इसका इम्पेनिट्रेंट आपका 8 ओम है, जो कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं। और चलिए इसका वॉयस कॉयल आपको 2 मिनट मतलब 51 mm का मिल जाता है। और इसका चलिए इसका बात कर लेते हैं हाउसिंग मेटल का, ये एल्युमिनियम के मेटल में बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये तो दूसरा टाइप दिख रहा है न्यूडियम का जैसा ही दिख रहा है, इसका भीतर में नियम एल्युमिनियम का बना होता है। चलिए इसका और बात कर लेते हैं, इसका पावर रेटिंग हैंडलिंग वो 300 वाट का मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम 300 वाट का मतलब पावर दे सकता है, और इसका 150 का आरएमएस पावर है। और इसका चले इसका आप किस तरह मतलब बजा सकते हैं, वो 300 मतलब 150 वाट का मान लीजिए, 150 वाट का है, बहुत अच्छा मतलब ये एचएफ है। तो आप लोग इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। और चले इसे आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ से आप लोग अमेजन से आप ख़रीद सकते हैं, और जो कि इसका प्राइज भी आपको देख सकते हैं, वहीं पर आपको प्राइज भी मिल जाएगा। तो चलिए इसका बात कर लेते हैं आप इसे किस तरह बजा सकते हैं। चलिए इसका तो मतलब इसका हाई तो मतलब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मिलेगा, तो चलिए इसको आप दो बेस लगा सकते हैं और दो टॉप। तो टॉप के साथ बेस आपका मान लीजिए 1500 प्लस 1500, और टॉप रहेगा मान लीजिए आपका 700 प्लस 700। तो आप दोनों मतलब एक एचएम में एक बार डाल सकते हैं, और दूसरा एचएम में मतलब दो एचएम डाल सकते हैं। तो वो आप मतलब बेस के लिए मतलब चार गो बॉक्स के लिए आपका मस्त बजेगा, मतलब टॉप मतलब बजेगा, क्योंकि इसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता नहीं है, पता नहीं यूट्यूब का ही तो मतलब पुराना रूल है। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट जरूर बताएगा। चलिए आप किस तरह वीडियो चाहते हो मुझे कॉमेंट जरूर बताएगा। चलिए नेक्स्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।